इलेवन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है ना? बैठो बेटा, सुनाए। इलेवन का ए नंबर देखो, 4.2 का है ना, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, 2b 2c, 2b 2c, टू ए, बी माइनस सी माइनस ए, टू ए, टू बी, ये टू सी है, टू सी, सी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या लाना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये लाना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ओके, बोलो ये बनेगा? देखो हमें पहले क्या लाना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये आएगा कैसे? देखो यहां पे माइनस बी है और यहां पे क्या है, माइनस सी, ये 2a है और ये भी 2a है। यदि मैं 2b में 2b इसमें प्लस कर दूं तो प्लस भी हो जाएगा ना, a प्लस भी हो जाएगा, और अगर 2c प्लस कर दूंगा तो a प्लस बी प्लस सी, यहां भी हो जाएगा वही चीज, यहां भी हो जाएगा। देखो 2a है और ये 2c है, और वही चीज यहां भी हो जाएगा, 2a और ये 2b, क्योंकि ये देखो a और b निगेटिव है, यहां पे a और b क्या है, यहां पे निगेटिव है, यहां पे c और a निगेटिव है, और यहां पे b और सी निगेटिव, मतलब कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, बोलो किस में चेंजिंग होगी, R1 में होगी कि R2 में, R1 में, किस में होगी, R1 में, R1 में हम लोग क्या पा जाएंगे, R1 में हर एक एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बोलो राइट। सेस R3 और R2 में कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो क्या रहेगा वो, 2b 2c, बी माइनस सी माइनस ए, 2c, फिर क्या होगा, 2b c माइनस ए और माइनस बी, बोलो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1, R1 से a प्लस बी प्लस सी क्या लेने पर, कॉमन लेने पर, है ना, इतना लिखना चाहते हो, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं मैं रफ कर दूंगा, लिख लिए, ओके। आगे देखो, आगे चलूं, अब टेक ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार मैं बता रहा हूं, देखो रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है ना, टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब तुम लोगों का टारगेट होना चाहिए 75+। तो लिखोगे टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1, तो क्या बनेगा फिर, ए ए प्लस बी प्लस सी ने कॉमन ले लिया, 1 1 1, फिर 2b बी माइनस सी माइनस ए, और 2b 2
सी, फिर से टू सी और सी माइनस ए माइनस बी। राइट नाउ मैंने कहा था दो जीरो सीक्वेंस से आ जाना चाहिए, यदि दो जीरो आता है तो 95% प्रॉब्लम क्या होती है, सॉल्व हो जाती है। अब हमें दो जीरो लाने के लिए करना क्या पड़ेगा, सी वन माइनस सी टू, सी वन माइनस सी टू और सी टू माइनस सी थ्री। राइट नाउ सी वन माइनस सी टू एंड सी टू माइनस सी थ्री, तो हम लोग कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे, हम लोग ऑपरेशन यूज करेंगे सी वन माइनस सी टू एंड सी टू माइनस सी थ्री। सी वन माइनस सी टू एंड सी टू माइनस सी थ्री, बोलो हम लोग ये ऑपरेशन यूज करेंगे, बताओ किसमें चेंजिंग होगी, सी वन और नो एनी चेंजिंग ऑफ सी थ्री, सी थ्री में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होगी। आगे देखो तो ए प्लस बी प्लस सी, राइट नाउ ए प्लस बी प्लस सी, देखो बेटा वन में वन को माइनस कर रहे हैं, वन में वन को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, जीरो। टू बी में ये बी माइनस सी माइनस ए टर्म माइनस कर रहे हैं ना, तो इसके माइनस लग जाएगा और ये दोनों क्या बन जाएंगे, प्लस। तो टू बी में एक बी जाएगा तो क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और टू सी में टू सी चला जाएगा, बोलो माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो। राइट नाउ फर्स्ट ऑपरेशन मेरा कंप्लीट हो गया, सेकेंड ऑपरेशन की बात करता हूं, सी टू माइनस सी थ्री, मेरा सेकेंड ऑपरेशन क्या है, सी टू माइनस सी थ्री। तो बोलो वन में वन जाएगा जीरो, वन में वन माइनस हुआ जीरो, बोलो बी माइनस सी माइनस ए में टू भी जा रहा है, टू यस, तो माइनस सी माइनस ए माइनस बी, माइनस क्या ले लेंगे, कॉमन, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। राइट नाउ और टू सी में ये चीज माइनस होगा है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी, राइट, ए प्लस बी प्लस सी, ओके, और नो एनी चेंजिंग ऑफ सी थ्री, सी थ्री में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो वन फिर टू बी फिर सी माइनस ए माइनस बी, राइट, गुड। बोलो क्या कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, कुछ नहीं, मैंने क्या कहा था, एक्सप्लेन करना है किसको लेके, वन को, वन को लूंगा ये एलिमेंट बंद हो जाएगा ना, ये इसका कॉलम और इसका रो, इसका कॉलम और इसका रो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ऐसे मैं इसको रफ कर दूं फिर बताता हूं, ये देखो ये है, थोड़ा सा इसको इसको भी रफ कर दूं, ये देखो सुनो, तो क्या होगा, जीरो जीरो, ये देखो, राइट नाउ अब बोलो वन को लेके क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, इसका जिस एलिमेंट को लेते हैं उस एलिमेंट का रो एंड कॉलम दोनों क्या होता है, क्लोज हो जाता है। इस एलिमेंट को लेकर के हम एक्सप्लेन करेंगे ये, और ये क्लोज हो जाएगा ना, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बोलो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ऑलरेडी ए प्लस बी प्लस सी है, क्या बन जाएगा, होल क्यूब। राइट नाउ कर लो, एक बार रिवाइज हो जाएगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, वन को ले लिया हमने, अब इसका रो एंड कॉलम दोनों क्लोज कर दिया, ये क्लोज हो गया, देख लो जब ये क्लोज हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल और रिमेनिंग डायगोनल, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। राइट नाउ अब क्या बनेगा, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। राइट नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं एकदम, चले गुड, आगे लिखो, चलू आगे, आगे देखो, अब तुम्हें 14 नंबर में बताऊंगा, कल बहुत सारे बताए थे, हाँ, अब 14 नंबर बताऊंगा, ठीक, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज चलते,
लिख लिए लो तुम लोग। फोर्टीन नंबर की बात करते हैं, ए स्क्वायर प्लस वन, नहीं थर्टीन नहीं बताएंगे, थर्टीन इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्वेल्व इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोकस कर रहा हूं। ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस वन सी वी या बी सी ए सी बी सी और सी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देख लो ये हमको लोगों को प्रूव करना है। इंक ब्लैक दिख रही, ब्लैक दिख रही, इसमें क्लियर दिख रहा है, न दिखता हो तो अदर कलर यूज करें। बढ़िया आएगा ना, चलो बोलो इसमें क्या करना पड़ेगा बता सकते हो? फर्स्ट स्टेप हम लोगों का क्या होगा इसमें? गुड, C1 से A, C2 से B और C3 से C, क्या ले लेंगे? कॉमन, टेकिंग कॉमन A, B, C फ्रॉम C1, C2 एंड C3, टेकिंग कॉमन A, B, C फ्रॉम C1, C2 एंड C3। देखो यहां से A कॉमन लेंगे तो यहां तो A बचे, यहां वन अपान A हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वन अपान A, राइट। देखो बेटा तू कॉमन की पोजीशन तो लिख लोगे ना, टेकिंग कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम सी वन सी टू एंड सी थ्री, तो टोटल कॉमन हमारा हो जाएगा ए बी सी, टोटल कॉमन क्या हो गया? ए बी सी, ए बी सी टोटल कॉमन हो गया, हुआ बेटा कॉमन हो गया, तो बोलो यहां क्या बचा? ए, ए प्लस वन अपान ए, यहां बी और यहां सी, बी और सी, बोलो यहां से कॉमन लिया हूं तो बी बी प्लस वन अपान बी और सी, फिर बोलो ए बी सी प्लस वन अपॉन, यहां पे अच्छा बी कॉमन लिया हूं सी बचाना, ये बी कॉमन लिया तो क्या बचेगा? ए, राइट, यहां क्या बच गया? ए, गुड। अब आगे बढ़ूं? बोलो हां, देख लो डाउट हो तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। यार तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया यार, तो कोई लड़का डाउट होगा तो कैसे पूछेगा? हाँ हमारी बैटरी थी नहीं, अब बोलो इसके बाद बताते हैं इसके बाद क्या करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, इसमें ए का, इसमें बी का, आर वन में ए का, आर टू में बी का और आर थ्री में सी का, तो बताते हैं वो भी। ये देखो ठीक, अब डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज है, वैसे भी पता है तुम लोगों को कि अगर किसी चीज की मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का क्या करना पड़ेगा? डिवाइड भी करना पड़ेगा। बोलो C1 में किसका, सॉरी R1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? A का, R2 में
बी का और आर थ्री में सी का, लिखना पड़ेगा आर वन में यानी आर वन इंटू ए, आर वन इंटू ए, फिर आर टू इंटू बी, आर थ्री इंटू सी, समझ गए ना। आर वन में किसका करना पड़ेगा, ए का, आर टू में बी का और आर थ्री में सी का, तो टोटल हमने मल्टीप्लाई क्या किया, ए बी सी का। जब हमने टोटल ए बी सी का मल्टीप्लाई किया तो ए बी सी का हम क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो ए बी सी से ए बी सी क्या हो जाएगा, कैंसिल। बोलो यहां ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहां वन, यहां ए स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर, यहां बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस वन, फिर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर और फिर सी स्क्वायर प्लस वन, राइट नाउ। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वन, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस वन, फिर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस वन, राइट नो। बोलो यहां तक क्लियर हुआ, लिखना है, लिखना हो लिख लो, समझ में आया बेटा, बताओ जिसको समझ में नहीं आया हो एक बार कमेंट कर दो। चलो आगे, किसी का कोई कमेंट नहीं आया, चलो इसका मतलब सबको समझ में आ गया है ना, जितने भी जुड़े हैं ऑनलाइन। हाँ चलो एक बार फिर से बता देता हूं, देखो कोई कमेंट करके लिखा है कि एक बार फिर समझा, आर वन में किसका मल्टीप्लाई कर दिया, ए का, आर टू में बी का, आर थ्री में सी का, जब हमने यहां पे मल्टीप्लाई किया ए का तो ए स्क्वायर हो गया और यहां ए करेंगे तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहां ए का ए में करेंगे ए स्क्वायर, फिर ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर यहां बी में बी का करेंगे तो बी का बी में करेंगे तो बी स्क्वायर, यहां बी स्क्वायर प्लस वी अपान बी यानी वन, फिर वी स्क्वायर, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस वन। बोलो यहां तक समझ में आ गया ना, गुड। आगे देखो, अब देखो बेटा हमें जो प्रूफ करना था जरा वो देखना, तो हमें प्रूफ करना है वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो यही प्रूफ करना, यही करना है ना, जरा देखो ए स्क्वायर प्लस वन प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, कौन सा ऑपरेशन यूज कर देंगे, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, देखो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, राइट नाउ ये हो गया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। बोलो चेंजिंग किसमें होगी, आर वन में, किसमें चेंजिंग होगी, आर वन में, राइट, आर वन में चेंजिंग होगी, तो आर वन में आ जाएगा, देख लो ए स्क्वायर प्लस वन, जब आर वन और आर टू का ऑपरेशन लगता है ना तो अप टू डाउन यानी नीचे वाला ऊपर वाले में प्लस होता है, कॉलम का ऑपरेशन लगता है तो बगल वाले प्लस होते हैं, साइड वाले, है ना। तो देखो इसमें ये दोनों प्लस हो रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस वन पहले से था, बी स्क्वायर प्लस सी प्लस हो रहा है, तो क्या आ जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही पोजीशन यहां भी हो जाएगा, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोलो क्लियर हुआ ये, एंड नो चेंजिंग ऑफ आर थ्री एंड आर टू, तो बी स्क्वायर हो गया और फिर आ गया क्या बी स्क्वायर प्लस वन, फिर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, फिर आ जाएगा सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस वन। बोलो यहां तक समझ में आ गया, आगे चलूं,
बताओ बेटा, समझ में आया? कमेंट करके बताओ। मेरा मोबाइल चार्ज नहीं लग जाएगा यार। आ गया? अब बोलो कहां से कॉमन लेंगे? R1 से। कौन सा टर्म कॉमन लेंगे? 1 + a² + b² + c² क्या लिखेंगे? टेकिंग कॉमन 1 + a² + b² + c² टेकिंग कॉमन 1 + a² + b² + c² राइट नो? तो लिखने का काम तुम लोग कर लेना, टेकिंग कॉमन 1 + a² + b² + c² फ्रॉम R1, है ना। तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं 1 + a² + b² + c² कॉमन ले लिया। तो बोलो यहां क्या बचेगा? वन फिर वन फिर वन, यानी वन फिर वन फिर वन, b² और c² b² + 1 और b² फिर c² + 1 राइट नाउ आगे देखो। अब देखना बेटा होगा क्या, बोलो। अब हमें दो जीरो लाना है डिटरमिनेंट से। क्या लाना है? दो जीरो। कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे? C1 - C2 and C2 - C3 C1 - C2 and C2 - C3 C1 - C2 and C2 - नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है, जीरो लाने से 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, आंसर आ जाएगा, है ना। और वैसे ऐसे करोगे तो कई स्टेप ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऑपरेशन नहीं यूज करोगे तो आंसर आएगा, बट थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक। आगे देखो। अब बोलो ये वाला ऑपरेशन यूज किया, बोलो। वन में वन जाएगा जीरो, बी में ये जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा। फिर सी में सी जाएगा जीरो, मतलब जीरो -1 फिर जीरो। फिर देखो वन में वन जीरो, b² + 1 में b² यानी 1, है ना, और -1। फिर नो चेंजिंग ऑफ c3, 1 b² c² + 1। और यहां 1 + a² + b² + c² राइट नो। अब आगे बढ़ूं, आगे देखो। वन को लेके हम लोग क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे राइट नाउ। वन + a² + b² + c² 1 को लेके अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ये देखो, ये दोनों क्लोज हो जाएगा। 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 1 - 0 = क्या आ गया, 1 + a² + b² + c² राइट नाउ। थैंक यू। आगे लिखो। देखो तुम्हें हम ऑब्जेक्टिव यानी 15 नंबर ऑब्जेक्टिव है, ये जरूर आएगा पेपर में। मैं बताता हूं उसको कैसे जानोगे, एक साल्व कैसे करना है। फिफ्टीन नंबर ऑब्जेक्टिव के बारे में सुनना, सुनो। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है 3 × 3 का एक मैट्रिक्स है ना, 3 × 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है,
बोल रहा है उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो मॉड ऑफ ए तो सभी में रहेगा, ठीक है ना। अब बाहर क्या रहेगा, के क्यूब। अगर वो 3x3 का है तो के क्यूब, 2x2 का है तो के स्क्वायर, 4x4 का है तो के की पावर 4। मॉड सब में रहेगा, बाहर के लिए जिस क्रॉस का रहेगा वो होगा, राइट नाउ। चलो तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब तुम्हें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज बता रहे हैं 4.3। क्या बता रहे हैं 4.3। ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद बेटा मैं प्रोबेबिलिटी शुरू करूंगा। ये एक्सरसाइज 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी और तुम्हारी प्रोबेबिलिटी खत्म करके एक बार पूरा रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है ना। चलो बोलो, समझ में नहीं आया हो, जिसको कहीं भी डाउट हो तो पूछ लो, नहीं फिर मैं आगे चलूं। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके भेजो, अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो ठीक, बताओ फिर आगे मैं प्रयास करूं। आ गया 4.3, चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, सुनाए तो टॉपिक लिखो तुम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल फोर पॉइंट थ्री है, एनसीईआरटी का 4.3। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सुनाए अब, लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल्स 4.3 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू होता है 1, 1, 1, x1, x2, x3, y1, y2, y3। इट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, पता है ना। अब यदि गिवन पॉइंट, ये दिए गए बिंदु, ये देखो आशुतोष क्या आने लगा इस। चलो यदि गिवन पॉइंट इज कॉलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। इफ गिवन पॉइंट इज कॉलिनियर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। ये दिए गए बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। यदि दिए गए बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 देन द गिवन पॉइंट इज कॉलिनियर। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो दिए गए बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। लिखना चाहो तो लिख लो, इफ गिवन पॉइंट इज कॉलिनियर, इफ गिवन पॉइंट इज कॉलिनियर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। हिंदी में लिख लो, यदि दिए गए बिंदु संरेख हैं, यदि दिए गए बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। दिए गए बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, राइट नाउ। चलो
देखो बेटा क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना। अब देखो मैं क्वेश्चन दूंगा और तुम लोग हमको सोल्यूशन बताओगे, ठीक है ना। सिंपल है तो कम से कम एकाध रिजल्ट तो बताओ तुम लोग, तो कुछ हम भी करें। लिखो क्वेश्चन, लिखो इंग्लिश वाले लिखो। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स हुज वर्टिक्स आर, हुज वर्टिक्स आर, अभी मैं हिंदी में बोलूंगा, हुज वर्टिक्स आर 38 माइनस 42 एंड 51 हिंदी में लिख लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी शीर्ष 38 माइनस 42 51। आंसर बताओ सभी लोग। किसी का आया नहीं आंसर अभी, किसी का आंसर आया नहीं, किसी का आंसर आया बताना, किसी का आंसर आया नहीं अभी। गुड, एक लड़के का आया है, कितना आया, किसी का नहीं आया, नो केवल एक लड़के का अभी कमेंट आया है बस। गुड, 61/2 राइट, आंसर क्या आया, 61/2 यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर एरिया है ना, तो एरिया का यूनिट क्या होता है, यूनिट स्क्वायर, राइट, नो गुड, थैंक यू। जिसका नहीं आया होगा मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूं। एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, वाई वन वाई टू वाई थ्री, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू होता है हाफ, हाफ लिखा था ना मैं इस बार, नहीं लिखा था फॉर्मूले में, हाफ हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू हाफ 1 1 1 एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, वाई वन वाई टू वाई थ्री, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, वाई वन वाई टू वाई थ्री, तो एरिया ट्रायंगल्स इज इक्वल टू हाफ 1 1 1 3 माइनस 4 5, 3 माइनस 4 और 5, फिर 8 2 1,
8 to 1, सीधे एक्सप्लेन कर देना है ना, बोलो 1/2, 1 को ले लेंगे ठीक, -4 -10 -1 -1 3 लोगों का आ जाए 47/2, इसकी एरिया फाइंड आउट करनी थी 47/2, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई ना, 47/2, साउंड है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि एरिया ट्रायंगल्स का दिया रहेगा, किसी अननोन क्वांटिटीज की क्या निकालना है, वैल्यू, एरिया ट्रायंगल्स का दिया रहेगा अननोन क्वांटिटीज की क्या निकालना है, वैल्यू, लिखो क्वेश्चन लिखो, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इज 3 यूनिट स्क्वायर, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स 3 यूनिट स्क्वायर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देखो एरिया दिया हुआ है 3 स्क्वायर यूनिट, अब वर्टिक्स दिया हुआ है, ए का वर्टिक्स क्या है लिख लो 1/3, बी का लिख लो 0/0 और सी का लिख लो K0, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू फाइंड आउट करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अभी चालू हो गया है, सब लड़कों को बता दो, क्यों आई वैल्यू, देखो ऐसे लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3, एरिया प्लस माइनस 3 1/1 1 0 k 1 0 k 3 0 0 3 0 0, राइट नाउ करेंगे क्या, 3 को लेके 3 2 6 प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 3 को लेके एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, तो देखो ये और ये क्लोज हो जाएगा के माइनस 0 प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 3 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, राइट, समझ में आ गया, लिख के बताओ बेटा कमेंट, जो भी ज्वाइन किए हो क्लास तो कमेंट में लिख के बता दो समझ में आया, देख लो
एक मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो एक क्वेश्चन और देखो, लिखो बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के यानी के का मान ज्ञात कीजिए, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 हो, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 हो, एंड गिवन वर्टिक्स K0, 4-0, 0-2 और एरिया कितना दिया हुआ है 4 यूनिट, वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट करना है। ओके, बनेगा, सॉल्व करो। मेरे को बताना पड़ेगा क्या? दो वैल्यू आती होगी शायद, प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे ना। देखो प्लस माइनस 4, 1/2, 1, 1, 1, हां के 4-0 एंड 0-0-2 राइट नाउ प्लस माइनस 8, किसको एक्सप्लेन करेंगे लेके, कौन सा एलिमेंट इसमें हम लेंगे, 2 ले लिया तो ये और ये क्लोज हो गया, 4 माइनस के राइट, प्लस माइनस 4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस के राइट, नाउ उधर आएगा के, इधर जाएगा के इज इक्वल टू 4 माइनस प्लस 4, यदि मैं पॉजिटिव लेता हूं तो 8, यदि मैं नेगेटिव लेता हूं 0 राइट नाउ, पॉजिटिव लेने पर, ठीक, पॉजिटिव लेने पर 8, नेगेटिव लेने पर 0 राइट नाउ, यहां बल्कि लिख देना फॉर पॉजिटिव k इज इक्वल टू 4 प्लस 4, के इज इक्वल टू 8 राइट नाउ, फॉर नेगेटिव है ना, फॉर नेगेटिव, नेगेटिव के लिए फॉर नेगेटिव बोलो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4, k इज इक्वल टू 0। इसका रीजन समझ में आया, दो आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि गिवन एरिया को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेते हैं, ठीक राइट नाउ नहीं ले सकते हैं, मैं ले सकता हूं है ना, वो इस ऐसा इसलिए ऑप्शन दिया हुआ है कि मान लो आंसर नहीं आता तो कोई ना कोई एक तो सही हो जाएगा, इसलिए ऐसा रीजन बताया गया। ओके, अब आज ओवर करता हूं क्लास को, थैंक यू। गुड, थैंक यू। अरे बीच में डिस्टर्ब